जुमलेबाजी सबसे बड़ा मोदी झूठा है हिंदुस्तान के अंदर, इससे बड़ा कोई झूठा ही नहीं है। मोदी योगी सबसे बड़ा झूठा, अमित शाह सबसे बड़ा झूठा, एक नंबर का झूठा है। इसके इसके खानदान में सब झूठी पैदा हुए थे, सच्चा कोई पैदा नहीं हुआ। समझ लिया, जैसे कोई जूता बनाना होता है ऐसे जूते के साथ फेंका। अब ऐसे सबसे बड़ा गुंडे का खुद है, जब गुंडा पार्टी भाजपा वाली है सब गुंडा पार्टी है। हम बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। इतना साथ दिया तुम्हारा, इतना साथ दिया हमारा, इतना साथ दिया उनका। अबे जब जुमलेबाजी सबसे बड़ा मोदी झूठा है हिंदुस्तान के अंदर, इससे बड़ा कोई झूठा ही नहीं है। मोदी योगी सबसे बड़ा झूठा, अमित शाह सबसे बड़ा झूठा, एक नंबर का झूठा है। इसके इसके खानदान में सब झूठी पैदा हुए थे, सच्चा कोई पैदा नहीं हुआ। दुनिया भर में जाना जा रहा है आज भारत, दुनिया भर में जाना जा रहा है, दुनिया भर में जाना जा रहा है। दुनिया भर में देख तो रहो, कोई इसका साथ नहीं दे रहा है, सब इसको जूते के नाम फेंक दिए निकाल गए। समझ लिया, जैसे कोई जूता बनाना होता है ऐसे जूते के नाम फेंका। अच्छा, आपका कानपुर स्मार्ट सिटी बन गया जी, दिखाइए उधर जरा कैमरा घुमाइए। इंशाल्लाह बनेगा, अल्लाह ने चाह बनेगा। मोदी सरकार की देन है क्या आपका कानपुर स्मार्ट? मोदी सरकार ने सड़कें तो बनवाई नहीं, आप देख लो पूरे कानपुर की सड़कें कैसी वीरान पड़े। 7 साल में क्या किया है मोदी योगी ने? बोर्डिंग लगाते रहो, बोर्डिंग का काम नहीं होगा। बच्चों के लिए स्कूल बनाए, बच्चों के लिए टकना पढ़ाई के लिए कॉलेज बनाए। कितना बच्चा क्या नाम है वो है क्या नाम है बेकार हो गया, किसको तुमने नौकरी दी नोटबंदी की? समाजवादी पार्टी सरकार थी तो बीजेपी वाले कहते थे गुंडा राज है, और बीजेपी की आई है तो बीजेपी वाले कह रहे हैं गुंडे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे दूरबीन। अबे ये सबसे बड़ा गुंडे का खुद है, जब गुंडा पार्टी भाजपा वाली है सब गुंडा पार्टी है, गुंडा पार्टी खुद है, गुंडे लोग हैं। ये गुंडा राज अल्लाह खत्म करेगा इनका कपड़ा नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। आज हमारे बेटे, आज तुम सुन लो मेरे कुरान के बारे में जलाई जा रही है, मस्जिदें वीरान करी जा रही है, मेरे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, मेरी अल्लाह के शान में गुस्ताखी की जा रही है। आज जब तुमने माहौल बना दिया उस खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, उनके प्यारे महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, कुरान की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। जूतों से स्वागत करेंगे बेटा, जूतों का हार बजाएंगे कि मेरे बच्चे ने। जो मेरी कुरानों को जलवाए, जो मेरी मस्जिदों को वीरान कराए, हम उसको स्वागत करेंगे। जो मेरे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करे हम उसको स्वागत करेंगे, जूतों का हार बजाएंगे। हमें बंद करोगे? कुछ नहीं किया शैतान से, कुछ नहीं किया। मेरे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कराई है, मेरे अल्लाह की शान में गुस्ताखी कराई, कुरान की शान में गुस्ताखी कराई, मस्जिदों की शान में गुस्ताखी कराई, मदरसों की शान में गुस्ताखी कराई। ये किया है मुसलमानों के लिए। आप लोग यहाँ पर आए हुए जी, आप वोट देंगे जी, इंशाल्लाह वोट देंगे, इस बार हमारा वोट आएगा इंशाल्लाह। जी नहीं, इंशाल्लाह वोट मिलेगा ओवैसी को। इस बार उत्तर प्रदेश की पूरी जनता असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, और इंशाल्लाह मजलिस को कामयाबी इंशाल्लाह इस बार जरूर मिलेगी। और हमारे पंडित जी दीक्षित साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबको जोड़ने की एक यहाँ पर मजलिस बनाई गई है, और इसमें हमारे पंडित जी ने भी बोला अभी आपके सामने, और हम सब इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम एक होकर उत्तर प्रदेश को कामयाब करेंगे। तोड़ने के लिए किस तरह से आ रहे हैं? हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समाजवादी को गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुसलमान को कहा, अगर ये मुसलमान को सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के हमदर्द है, तो क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया? कहते हैं यादव आजम खान जेल में है, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो जेल में है। तो अबू आसिम आजमी आ गए, वो तो बोलते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप को पाकिस्तान जाना चाहिए, वो खुद ही मुसलमान होकर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, और खड़े होकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अपने आस्था को जो दांव पे लगा दे वो हमारा लीडर नहीं हो सकता। साहब मुसलमानों के हक की बात करते हैं जी, बिल्कुल बात करते हैं जी। 4 साल
पहले जी नक्सल होने को जी कहा तो कहा नहीं आएगा अब क्यों बहुत समय आ चुका है तो 3 महीने पहले नहीं 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 3 दिन पहले 3 तलाक के मुद्दे पर कौन बोला कोई बोला हिंदुस्तान से कोई नहीं बोला सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोला एक अकेला वाहिद सांसद के अंदर डालने वाला शेर असदुद्दीन ओवैसी और इंशाल्लाह ताला इस बार तीन है हमारे दो सांसद हैं हमारे दो सांसद हैं सांसद इम्तियाज जलील और सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी अकेले का दो बोलते हैं इम्तियाज जलील साहब भी बोलते हैं सांसद के अंदर अभी तिरंगा यात्रा कल निकली है आप उसका वीडियो देखिए तिरंगा यात्रा का बहुत से सपोर्ट करते हैं जब जब एक बड़ा लीडर बोलता है तो दूसरा अपना जूनियर बैठा रहता है और जब सपोर्ट की बात आती है तो सपोर्ट भी किया जाता है उनको जी बाकी सब जूनियर बन के ही बैठे रहेंगे नहीं तो इंशाल्लाह आवाज को बुलंद की जाएगी जब हमारे सदर साहब नहीं होंगे तो दूसरा बोलेगा और हमारे सदर साहब ही सबके ऊपर भारी है पहली बात दूसरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जुमलेबाजी सबसे बड़ा मोदी झूठा हिंदुस्तान के अंदर इससे बड़ा कोई झूठा ही नहीं है मोदी योगी सबसे बड़ा झूठा अमित शाह सबसे बड़ा झूठा एक नंबर का झूठा है इसके इसके खानदान में सब झूठी पैदा हुए थे सच्चा कोई पैदा नहीं हुआ समझ लेते थे कोई जूता बनाना होता है ऐसे जूते के नाम फेंका अब सबसे बड़ा गुंडे गए खुद है जब गुंडा पार्टी आसपास वाली है सब गुंडा पार्टी है